कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार के प्रयासों को देश से बाहर बसे नागरिक भी सहारा दे रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बसे सुंदरनगर में पढ़ाई कर चुके अंबा प्रसाद शर्मा ने इस बार फिर से मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने गरीब व मजदूर परिवारों का पेट भरने के लिए करीब 3.5 लाख रुपए की राशि का राशन सिविल अस्पताल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध करवाया है। विधायक राकेश चंबाल ने इस राशन से भरी गाड़ी को गरीब व मजदूरों परिवारों के लिए रवाना किया। उन्होंने व उनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वयंसेवियों के साथ गाड़ी में राशन सामग्री रखी। उन्होंने बताया कि सुंदरनगर के 400 परिवारों को अगले एक सप्ताह तक के लिए राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। अंबा प्रसाद शर्मा हर समय सुंदरनगर में स्वास्थ्य सेवी कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं। इससे पहले भी वे कई दफा कई सामाजिक कार्यों और गरीब व मजदूर लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए मदद कर चुके हैं। गरीबों के लिए और जो प्रवासी मजदूर हैं और जो ऐसे लोग जो दिन में कमाकर शाम को खाने वाले जो परिवार हैं उनके लिए आज अंबा चरण जी जो NRI हैं, अंबा प्रसाद जी जो NRI हैं, उन्होंने 400 परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था जो है की है। अंबा प्रसाद जी ने सुंदरनगर से उनका लगाव है क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं। यहाँ से उन्होंने सुंदरनगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा यहाँ से उन्होंने किया है, इसलिए उनका यहाँ से लगाव है। उन्होंने अमेरिका से फ़ोन कर हॉस्पिटल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष BV कौशल जी को कहा कि मैं इस संकट की घड़ी में सुंदरनगर की लोगों की मदद करना चाहता हूँ, हिमाचल की, अपने देश की, अपनी मिट्टी की, जनता की सेवा करना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अंबाचरण जी को कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दिया और 400 फूड पैकेट 400 परिवारों के लिए लगभग एक सप्ताह का राशन उन्होंने हमें दिया है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख के करीब बनती है। तो मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और समाज के सभी वर्गों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में, इस प्रदेश में, इस सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में सभी लोग हम मिलकर इस संकट से निपटने का सब लोग प्रयास करेंगे। और ऐसे अनेकों दानी सज्जन, विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने आज मदद की है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। MLSM कॉलेज के सारे स्टाफ ने अपने एक दिन की सैलरी जो लगभग 2.25 लाख रुपए बनती है वो उन्होंने दी। उसके बाद अनेकों ऐसी संस्थाएं जिन्होंने इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दिया है, समाज का साथ दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और समाज के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसी संकट की घड़ी में सब लोग मिलजुल कर हम काम करें ताकि इस महामारी से, वैश्विक महामारी से हम सब लोग उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।